राम राम दोस्तों, आज हम बात करांगे भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई कुछ रेलना के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 10 और रेल चलाई हैं जो कुछ स्त्रियां हैं। तो दोस्तों, पहली रेल इटारसी तय प्रयागराज के बीच में है जो 11 जून तय स्टार्ट होगी है। दूसरी रेल अहमदाबाद तय समस्तीपुर के बीच चली है जो 13 जून तक स्टार्ट होगी है। तीसरी बांद्रा तय गाजीपुर के बीच में चलाई गई है, यह रेल 14 जून तक स्टार्ट होगी है। दोस्तों, चौथी रेल देहरादून तय कोटा के बीच में चलाई गई है, यह रेल भी 14 जून तक चल चुकी है। और पांचवी रेल दिल्ली तय आगरा कैंट के बीच में चलाई गई है, यह रेल भी 14 जून तक चल चुकी है। छठी रेल मुंबई तय मडवाडी रेलवे स्टेशन के बीच में चलाई गई है, यह रेल 15 जून तक चला दी गई है। सातवीं रेल कासगंज तय कानपुर अनवरगंज के बीच में चलाई गई है, यह रेल 16 जून तक चालू कर दी गई है। आठवीं रेल हजरत निजामुद्दीन तय चेन्नई रेलवे स्टेशन के बीच में चलाई गई है, यह रेल 16 जून तक चला दी गई है। नौवीं रेल राजकोट तय समस्तीपुर के बीच में चलाई गई है, यह रेल 16 जून तक चालू कर दी गई है। और दसवीं और आखिरी रेल यहाँ मुंबई तय भागलपुर के बीच में चलाई गई है, यह रेल 18 जून तक यानी कि आज तय चालू कर दी गई है। दोस्तों, भारतीय रेलवे यात्रियों का सफ़र और भी सुविधाजनक बनाने खातिर निरंतर प्रयास कर रहा है। और दोस्तों, भारतीय रेलवे आने वाले कुछ दिना में और नई रेलां की शुरुआत भी करेगा और दोस्तों, यात्रा की सुविधा और बढ़ाई जा सके इस पर भी भारतीय रेलवे लगातार प्रयास कर रहा है। और दोस्तों, खासकर इन रेलां के चालू होने तक जो खासकर उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश में आम जाम हैं, उन यात्रियों ने बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि ज़्यादातर रेल उत्तर प्रदेश में हैं। तो दोस्तों, यह थी भारतीय रेलवे से जुड़ी कुछ खास जानकारी। यह जानकारी आपने किसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइयो और आगे भी इसी और जानकारियाँ खातर सारे अपने चैनल देसी टाइटल ने सब्सक्राइब भी जरूर करियो और आप हमारे फेसबुक पेज ने लाइक भी जरूर करियो, इंस्टाग्राम पेज ने फॉलो भी जरूर करियो और चैनल ने सब्सक्राइब भी जरूर करियो। तो इन मिलांगे अगली जानकारी में, तब तक जय हिंद जय भारत।